हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर साइदुल में आप लोग को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा बैंक फीस और गोल्ड फीस के बारे में। ठीक है, ऐसे में तो ETF में हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जो लोग सेफ इन्वेस्टर है, जो लोग कंजर्वेटिव है और लोग ये सब मतलब इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन इसमें और भी एक बेहतर तरीका है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटर्न को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि ETF में तो ऐसे में आपको 10-15% का साल भर का रिटर्न देता है, लेकिन अगर आप बैंक फीस और गोल्ड फीस के साथ मतलब ये दोनों को आप डाइवर्सिफाई कर देते हो और आपको फंड को अरेंज करते रहो, मतलब रीअरेंज करते रहो, जैसे कि 1 लाख रुपए बैंक फीस और 1 लाख रुपए आपने अगर गोल्ड फीस में लगा दिया हो, अगर किसी में भी 10% का रिटर्न दिया हो, वहाँ से थोड़ा पैसा निकल के फिर बैंक फीस या गोल्ड फीस में लगा देते हो वहाँ से लेके, तो आपका क्या होता है, जो आपका पैसा है, कैपिटल है, वो थोड़ा अरेंज हो गया रहता है। ठीक है, मतलब एक रेंज में रहता है, जैसे कि इसमें 1 लाख, इसमें 1 लाख, या इसमें 1 लाख 10 हो गया तो वहाँ से 5% निकल के इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसी तरह अगर करते रहेंगे साल भर में तो आपको मतलब थोड़ा बहुत 15% से ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि गोल्ड फीस थोड़ा बहुत इक्विटी से इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर इक्विटी में थोड़ा बहुत गिर जाता है या इंडेक्स थोड़ा गिर जाता है तो गोल्ड नहीं गिरता है, गोल्ड उसी टाइप से मेंटेन होकर थोड़ा बहुत ऊपर ही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, गोल्ड से थोड़ा बहुत पैसा निकल के फिर आप उस इक्विटी में, उस इंडेक्स में लगा सकते हो, फिर जब इंडेक्स तेजी से बढ़ने लगता है तो गोल्ड उसी हिसाब से बढ़ता नहीं है। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, उस इंडेक्स से पैसा निकल के आप फिर गोल्ड इसमें लगा सकते हो। तो इसी हिसाब से अच्छा तरीका है एक फंड को भी आपको रीअरेंज करके और उसी में आपका जो ईयरली रिटर्न है वो 15 से कम 25% तक आप ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम प्रैक्टिकली चार्ट की मदद से समझेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने निफ्टी मतलब निपोन इंडिया ETF बैंक फीस को और आपका गोल्ड फीस को निकाल लिया हो। ठीक है, ये दोनों बैंक फीस और गोल्ड फीस का चार्ट है। ये है आपका ब्लू लाइन जो है, ये है बैंक फीस का चार्ट और ये रेड लाइन जो है ये है गोल्ड फीस का चार्ट। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको रिटर्न थोड़ा बहुत भी इंक्रीज करेगा अगर आप फंड को इधर से उधर, उधर से इधर थोड़ा बहुत लेते रहे, साल भर में ये करना है। ठीक है, और इसका जो चार्ट है मैंने इसको पूरा आपको 1 ईयर्स का कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम इसके मदद से देखेंगे कि किस टाइप का रिटर्न दिया है। जैसे कि आपने इधर आपका इन्वेस्टमेंट लाइन है ये, ठीक है, ये है आपका इन्वेस्टमेंट लाइन। तो मान लेते हैं इधर आपने 1 लाख का और इधर भी आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, दोनों में 50-50। अभी क्या हो रहा है इसमें, इसमें अगर आप ला के देखेंगे कि ये थोड़ा देर बाद इसने क्या किया है, मतलब ये लगभग 10 दिसंबर में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इसने 21 दिसंबर में ये क्या किया है, मतलब गोल्ड फीस में 0.61% का रिटर्न दिया है और बैंक फीस में 0.75% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आपको इधर से क्या करना है, ये जो ये अगर देखा जाए ऐसे में तो इसमें 5% का ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। हो सकता है आपका कैपिटल से थोड़ा बहुत गिर गया हो, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको 5000 का लॉस दिखाएगा। ठीक है, और इसमें आपको थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दिखाएगा, जैसे कि आपको 600 ऐसा कुछ प्रॉफिट दिखाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें 5000 का लॉस दिखाया तो इधर से आपको क्या करना है, 2500 रुपये ला के फिर आपको बैंक फीस में लगा देना है। ठीक है, देखिए बैंक फीस में लगा देने के बाद आपको वैसे रहना है, मतलब 50-50 हो गए फिर, तो आपको वैसे रहना है। और इधर आप आइए, थोड़ा देर बाद आइए, आप इधर आप देखिए। ठीक है, तो इधर देखिए आप, तो इधर क्या हो रहा है आपका, इधर आपका ये हो रहा है कि बैंक फीस में जो प्रॉफिट दे रहा है 4% का, और जो गोल्ड फीस में प्रॉफिट दे रहा है ये 0.15% का। तो इधर 4% हो जाएगा तो ये ऑलरेडी 4000 के थोड़ा बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट दे देगा इधर। तो इधर से क्या करना है, 2000 लेके फिर आपको गोल्ड फीस में लगा देना है। ठीक है, तो इसमें हो गया 50-50 फिर। ठीक है, इसी टाइप का 50-50 करते रहना है आपको। फिर आपको आना है नेक्स्ट, इधर देख लेते हैं। तो इधर आप देख सकते, तो इधर आप दोस्तों देख सकते हैं कि बैंक भी जो है ये -11% का प्रॉफिट दे रहा है और ये जो निपोन इंडिया है ये +11% का प्रॉफिट दे रहा है। मतलब इसमें आपको क्या हो जाएगा, 11000 का लॉस, इसमें आपको 11000 का प्रॉफिट। तो इधर से क्या करना है, लगभग 6000 अमाउंट निकल के आपको फिर बैंक भी इसमें लगा देना है। ठीक है, तो फिर आपका फंड जो है वो अरेंज हो गए। ठीक है, तो आपको फिर आना है इधर। तो फ्रेंड्स, अभी इधर है 16 सितंबर 2022 में आप देख सकते हैं कि बैंक फीस का जो रिटर्न है 10% है और गोल्ड फीस का जो रिटर्न है 0.24% का है। तो आप क्या कर सकते हो, ये इधर से आप फिर 5000 निकल गए, 5000 मतलब 1 लाख के हिसाब से दिखा रहा हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि आपने फिर यहाँ से पैसा इधर ले लिया थे। ठीक है, तो इधर आपको 5000 नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही लेके आपको फिर गोल्ड फीस में लगा देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा आगे जाइए आप। तो दोस्तों, अभी लास्ट में क्या कर रहा है आप देख सकते हैं कि बैंक फीस का जो रिटर्न है ये 17% है और गोल्ड फीस का जो रिटर्न है आप देख सकते हैं
ये है 11% का, ठीक है, ये 11% का है। तो मतलब अभी आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इधर से बैंक बीच से थोड़ा बहुत पैसा निकल के आप गोल्ड बीच में लगा सकते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली आपका बैंक बीच भी कितना गिर गए थे, लेकिन आप गोल्ड बीच से थोड़ा बहुत पैसा निकल के उधर दे दिए थे, ठीक है। फिर आपने अभी जो टाइम आ रहा है आपका बैंक बीच से, फिर आप गोल्ड बीच में लगा सकते हैं। अगर इसी टाइप से आप लगातार 20 ईयर्स तक करते रहेंगे तो एक ज़माना आ जाएगा कि आपको काफ़ी सारा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिटर्न इंक्रीज कर देता है आपको। इसी तरह से डाइवर्सिफाई करके और इस फंड को थोड़ा रीअरेंज करके इधर उधर लेके आप थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो ये टेक्निक के मदद से, ठीक है। लेकिन ये 1 लाख के हिसाब से उतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप यही काम जब आप 20 लाख 50 लाख से करोगे तो आपको बहुत सारा फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों, मतलब बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब जब 50 लाख का 10% हो जाता है ना दोस्तों, तो वो लगभग 5 लाख हो जाता है। तो 5 लाख से आप क्या करते हो, 2.5 लाख रुपया ला के फिर आप गोल्ड बीज में लगा देते हो, फिर गोल्ड बीज जब 10% बढ़ जाता है तब उधर फिर 5 लाख का प्रॉफिट दिखा देता है, फिर उधर से आप 2.5 लाख रुपीज़ ला के आप मतलब बैंक बीज में लगा देते हो। क्योंकि ये जो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है ग्राफ, इसको आप मेंटेन करके थोड़ा बहुत पैसा आप अर्न कर लेते हो। और ये दोनों का जो इंडेक्स है, ये दोनों जो ETF है, ये तो ईयरली मेंटेन एक प्रॉफिट देता ही रहेगा आपको, 10% के ऊपर तो देता ही रहेगा। लेकिन अगर ये काम करने से आपका प्रॉफिट अगर 15-20% हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जो लोग इक्विटी मार्केट में आना नहीं चाहते, शेयर मार्केट में अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग इस टाइप का वीडियो शेयर करके आप उसको दिखा सकते हो कि इस टाइप का भी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ है और तेरे जैसे लोगों के लिए ही है, कंजर्वेटिव लोगों के लिए है। तो तू इस टाइप के फंड में अपना पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके और पूरा साल तक इन्वेस्टेड रह के इसी टाइप का फंड को इधर उधर करके अपना जो रिटर्न है उसको इंक्रीज कर सकता है। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद।